Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel Cooking in Desi Swag. आज मैं आपके साथ एक स्टार्टर की रेसिपी लेके आई हूँ. इसका नाम है क्रिस्पी कॉर्न, और इसे आप क्रिस्पी चिली कॉर्न भी बोल सकते हैं. तो हमें सबसे पहले पानी लेना है, पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डालना है. देन आफ्टर हमें 2.5 कप कॉर्न डालना है. कॉर्न ये आप नॉर्मली जो फ्रेश कॉर्न मार्केट में मिलते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रोजन अमेरिकन स्वीट कॉर्न है उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है. तो हमें सबसे पहले इसे बॉयल कर लेना है. उसके बाद बॉयल करने के बाद हमें इसका पानी पूरा ड्रेन कर देना है. पानी जैसे ही ड्रेन हो जाए तो हमें इस कॉर्न को एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है. मैंने फर्स्ट टाइम इसे हैदराबाद में खाया था, हैदराबाद के किसी रेस्टोरेंट में एज ए स्टार्टर, और इसका टेस्ट मुझे लगा कि मुझे ये बना के आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. उसके बाद हमें ये फ्लावर डालना है. इसके अंदर मैदा है, राइस है और कॉर्नफ्लावर है. तो इसकी क्वांटिटी क्या क्या है? 1 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है. और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हाथ से भी मिक्स कर लेना है ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए. और इस फ्राई करने में ये हमें ये कोटिंग इसके ऊपर ही लगी रहे. हमें इसमें थोड़ा सा नमक डालना है और साथ में 3 टेबल स्पून पानी भी डालना है, 2 to 3 टेबल स्पून. अब हमें एक कढ़ाई लेके इसमें अच्छा खासा ऑयल डाल देना है और इसे अच्छे से गरम कर देना है. हमारा ऑयल बिल्कुल गरम होना चाहिए. और ये मैंने जो ये बना के रखा है, और इसको इसमें ऐसे छान लूँगी. जो एक्स्ट्रा है ये कॉर्नफ्लावर मैदा और राइस, ये एक्स्ट्रा जो है वो निकल आएगा, अदरवाइज हमारा पूरा ऑयल ख़राब हो जाएगा. तो मैं इसे छान लूँगी. और इस हमें थोड़ा दूर होके इसे फ्राई करना है. इस प्लेट में ट्रांसफर कर रहे हैं. जैसे बटर मेल्ट हो जाए तो हमें मैंने इसमें गार्लिक, अदरक और ग्रीन चिली को फाइनली चॉप्ड कर लिया है, और इसमें डाल देना है. और फ्लेम को फुल पे ही रखना है. और ये चॉप्ड, फाइनली चॉप्ड ओनियन है वो भी डालना है मुझे इसमें. हमें इसे अच्छे से गलाना नहीं है, जस्ट इसको रॉ रखना है. जैसे अदरक, लहसुन और ओनियन जब हम खाएं तो बिल्कुल क्रंची उसका वो टेक्सचर है, फ्लेवर है, तो मैं ऐसे रखना है. ब्लैक पेपर, कश्मीरी मिर्च, और ये कॉर्न हमें इसमें मिक्स कर देना है. ये सीजनिंग है. हमें इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हो. और स्प्रिंग ओनियन डालना है हमें 3 to 4 टेबल स्पून. अगर आप इसका और थोड़ा टेस्ट चेंज करना चाहते हैं, ये तो थोड़ा स्पाइसी हो गया, अगर आप इसको थोड़ी सी खटास डालनी चाहते हैं तो उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डाल सकते हैं. और अगर और थोड़ा सा आपको डिफरेंट और एनहेंस करना है फ्लेवर को, तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं इसमें, जस्ट 1/4 टी स्पून ऑफ अमचूर पाउडर. और आप इसको इसमें भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं, तो इसका टेस्ट और एनहेंस हो जाएगा. बट ऐसे जो मैंने बनाया है वो भी एकदम परफेक्ट और सुपर से ऊपर टेस्ट आया है इसका.
Thank you for watching my video. I hope you will like this video. I will soon come with a new recipe. Till then, bye bye. Take care.